दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक हिस्ट्री सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 2B, कक्षा 8 का अभ्यास 2B। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिये सबसे पहला वाला, देखिए पहले का पहला क्वेश्चन ये है, देखिए 77 44। सबसे पहले हम ये देखते हैं किसका वर्गमूल निकालना, किसे, गुणनखंड विधि से, मतलब गुणनखंड विधि से करना है। देखिए 77 44 इनका गुणनखंड करते हैं। यहाँ ये देखिए 4 है तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। कटने वाला रूल हम आपको अलग से एक वीडियो दे देंगे जो कि प्लेलिस्ट में रहेगा गणित वाले, ठीक है। देखिए 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6 होगा, 1 इधर आएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 1 यहाँ आएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दुना 4। इसके बाद फिर 2 से ही काटेंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या, ध्यान दीजिए 2 से वही संख्या कटती है जिससे लास्ट में सम संख्या हो, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 इतने होंगे, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, 2 से कट जाएंगे। तो देखिए 2 हुआ, अब क्या करते हैं, 2 से फिर काटते हैं, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12। अभी फिर 2 से कट जाएगा, 2 से कटेंगे, 2 9 18, 1 यहाँ 2 6 12 और 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 4 8, 2 8 16 और 2 4 8। अभी फिर 2 से कटेगा, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4। अभी फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। अब देखेंगे हम कि 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, अभी ये सीधे सीधे किससे कटेगा, 11 से कटेगा और 11 गिरैया में कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, फिर 11 से कटेगा 1 आ जाएगा। अब देखिए, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, वर्ग और वर्गमूल होता क्या है, ये जो निकल के आएगा, देखिए जोड़ा बनाएंगे 1, 2, 3 और ये 4, तो कितना आ जाएगा, 7744। ये है वर्ग, ये जो लगा है ये निशान, ये वर्ग है। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, इस संख्या को वर्ग बोलते हैं। इनका वर्गमूल जो होगा वो कौन सी संख्या होगी, देखिए पहले इनका गुणनखंड लिखते हैं। देखिए 2 × 2 × 2 × 11 इसको लिखते हैं। अब देखिए आगे कितना, इस संख्या का वर्गमूल कितना आएगा, 11 × 22 × 44, 44 × 2 कितना होता है, 88 होता है, या इधर से लेके जाएंगे 2 × 2 = 4 × 8, 8 और गिरैया में 88 होता है। तो हम वर्गमूल क्या है, 88, लेकिन 88 ऐसे नहीं लिखते हैं, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस दोनों में आता है। इसका मतलब क्या होगा, वर्गमूल लिखा जाएगा प्लस माइनस कितना, 88। ये हो गया हमारा पहले का पहला। अब देखते हैं दूसरा वाला क्या दिया गया, 11664, 11664 दिया गया है, 11664 को करते हैं। चलिए 11664 का निकालते हैं वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए 11664 इधर लिखते हैं, 11664, तो पहले हम ध्यान देंगे तो 4 है, 4 है किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, क्योंकि सम संख्या है तो उधर 2 से कट जाएगा। तो सबसे पहले उसको 2 से काटते हैं, चलिए काटते हैं इसको, तो 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 8 16 और यहाँ 2 3 6, 2 2 4। अभी देखिए अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10 और 2 8 16। 2 से अभी भी कटेगा, देखिए 2 से कटेगा, 2 7 14, फिर 2 2 4, 2 9 18। अब 2 से कटेगा क्या, अब 2 से नहीं कटेगा, तो जब अब 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, देखिए जब 2 से नहीं कटेगा तो कटेगा 9, देखेंगे 3 से कटता है कि नहीं। 3 से कटने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जितने अंक दिए रहते हैं उनको जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद जितना आता है, अगर वो 3 से कट गया तो पूर्ण संख्या 3 से कट जाएगी, देखो 7 2 9 9 9 18 होता है, 3 से ये कट जाएगा, 3 2 6, 3 3 6 12 और ये जाएगा 3 3 9। अभी 3 से फिर काटते हैं, 3 से कटेगा अभी, 4 2 6 3 9 होता है, 3 से काटेंगे, 3 8 24 और 3 1 3। अब देखेंगे किससे कटेगा, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 7 21 होता है, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3। ये कट गया, अब क्या करेंगे, इनका जोड़ा बनाएंगे, देखिए ये होगा। अब लिखेंगे कैसे लिखेंगे इसको, 11664, ये वर्गमूल कितना होगा, 11664 का वर्गमूल कितना आएगा, देखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 3। और इसको जब बुरा करेंगे, 2 × 4 12 × 36, 36 × 3 कितना होता है, 108 होता है, कितना जाएगा, 108। और ये किसमें आएगा, प्लस और माइनस दोनों में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस दोनों में आएगा, कितना आएगा,
108, ये हो गया दूसरा वाला। अब देखते हैं तीसरा और चौथा, देखते हैं तीसरा वाला क्या करा। 4900 को क्या करना है, इनका वर्गमूल निकालना है। चलिए 4900 का वर्गमूल निकालते हैं। पहले लिखते हैं 4900, तो देखिए लास्ट में जीरो है, जीरो है, दो से कटेगा, अभी बताए थे। देखिए दो से काटेंगे, दो दुना चार, दो चौके आठ, और ये दो पंचे दस, जीरो हो गया ना। अब देखिए क्या जाएगा, दो से काटेंगे, दो कम दो, दो दुना चार, और दो दुना चार, दो पंचे दस, आ गया 1225। अब ये दो से नहीं कटेगा, देखें तीन से कटता है कि नहीं, पांच छह सात आठ नौ और एक दस, तीन से भी नहीं कटेगा, लेकिन देखेंगे पांच से कट जाएगा। पांच से हर वो संख्या कट जाती है जिसके लास्ट में जीरो या तो पांच होता है, जीरो या तो फाइव। तो ये देखते हैं पांच से, पांच दुना दस, पांच चौके बीस और पांच पचे पच्चीस, फिर पांच से काटते हैं, ये जाएगा पांच चौके बीस और पांच नवा पैंतालीस। अब देखेंगे पांच से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, सात से कटेगा। देखिए सात से काटेंगे, सात सते उनचास, सात से काटेंगे सात एक का सात। अब हम क्या करते हैं, 4900 का वर्गमूल कितना होगा, देखिए एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, दो मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन, दो मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन। हम निकालते हैं पांच दो दस, दस सत्ते सत्तर, सत्तर, तो क्या हो गया हमारा 4900 का वर्गमूल हो गया प्लस माइनस सत्तर, ये हो गया। अब देखते हैं चौथा वाला। अच्छा चौथा वाला ध्यान दीजिएगा, इसको आप चेक करेंगे ना, ये किसी से नहीं कटेगा। इसको कटने के लिए क्या करेंगे, पहले भाग विधि लगाते हैं। तो जब भाग विधि लगाएंगे, देखिए ये कटेगा 217 से, 217 से, 217 से कटेगा और 217 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, 217 बार जाएगा। तो यहाँ 217 से 217 बार गया, फिर एक बार 217 से काटेंगे, एक आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 47089। इसका जो वर्गमूल आएगा वो प्लस माइनस कितना आएगा, 217। इसको भाग विधि से आप चेक भी कर सकते हैं, जब ऐसे कोई सवाल आए जिनका ये लगे कि कटेगा नहीं, तो उसको भाग विधि से लगाते हैं। तो भाग विधि आगे हम बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो। हाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर दो में। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो ये दिया गया है। इसमें दूसरे का पहला देखते हैं, गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, 625/1296, तो सबसे पहले 625 का निकालते हैं। चलिए लास्ट में पांच है, किससे कटेगा, पांच से कटेगा, पांच से काटेंगे, पांच एक कम पांच, यहाँ से एक आ जाएगा, पांच गुना दस और पांच पचे पच्चीस हो जाएगा। फिर पांच से कटेंगे, पांच गुना दस और पांच पचे पच्चीस, और फिर पांच से कटेगा, पांच पचे पच्चीस, एक बार और पांच एक कम पांच, ये कट गया। अब जोड़ा निकालते हैं, देखिए ये इसका मतलब क्या होगा, 625 का वर्गमूल कितना होगा, हमको क्या धनात्मक निकालना है। तो धनात्मक निकालना है तो कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पहले क्या करेंगे, गुणे का, सॉरी सॉरी सॉरी, पांच गुणे पांच, एक इसमें से और एक इसमें से, तो अब क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25, और ये धनात्मक निकालना, धनात्मक, तो हमारा कितना आया, 625 का कितना आ गया, 25 आ गया धनात्मक। अभी इसके नीचे क्या, 1296, इधर लिखते हैं 1296, इसका भी निकालना है, और किससे, गुणनखंड विधि से ही निकालना है। चलिए निकालते हैं, 6 है तो देखिए कितनी बार बताए, दो से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट का अंक मतलब इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो कटेगा, देखिए 6 है ना तो कटेगा, दो से काटते हैं, दो छका 12, दो छक 12 हो गया, और ये दो चौका 8, और ये कितना हो जाएगा, 2 8 16। अभी फिर दो से कटेगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, फिर दो से कटेगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 7 2 8 16, 2 1 2। फिर देखिए दो से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक क्या हो गया, दो नहीं रह गया। अब किससे काटेंगे, तीन से काटेंगे, और तीन से कटने का रूल ये होता है कि जितने जो संख्या दी गई उनके अंकों का योग अगर इतना आता है कि वो तीन से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या क्या होगी, तीन से कट जाएगी टोटल। तो तीन से काटते हैं, इनको देखिए 8 8 9 हो जाता है ना, हो जाएगा 3 2 6 6, यहाँ 2 गया, 3 7 21। अब देखिए 3 से फिर काटेंगे, 3 9 27 होता है, 3 9 27, 3 से फिर काटेंगे, 3 3 9, और 3 से फिर काटेंगे, 3 1 3। अब यहाँ जोड़ा कितना बनेगा देखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1296 का वर्गमूल हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। तो देखिए जब गुणा करेंगे इसका, 2 2 4 3 12 3 36, कितना आ गया, 36, और यही हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। लेकिन हमको बताना किसका था, 625/1296। अब 625 का हमारा कितना आया था, देखिए अब ऐसे लिखेंगे इसको, इसका कितना आया था, 625 का हमारा आया था 25, तो ऊपर लिखेंगे 25
और नीचे क्या लिखेंगे 1296 का कितना आया था 36 आया था, नीचे लिखेंगे 36 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, दूसरा कितना दिया गया 529 दिया गया, इसका क्या करते हैं, इसको भी इसी तरीके से देखिए 529 है, पहले 529 लिखते हैं, इसको काटते हैं। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, 529 कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो जिससे कटेगा, उसके लिए क्या होता है एक सिंपल सा है, ये 23 से ही कटेगा, देखिए 23 से कटेगा तो पहले ले जाएंगे और 23 बार ही जाएगा, 23 दुना कितना हो जाएगा देखिए 46 हो जाएगा, 23 दुना 46 और 23 तिया हो जाएगा, 23 बार कट जाएगा और फिर 23 से जाएगा एक हो जाएगा, तो ये कितना हो गया पहले 529 का कितना आया लिखेंगे, 529 का वर्गमूल कितना आया 23 आया, क्योंकि एक ही जोड़ा तो है, एक जोड़ा है फिर कितना 196 लिखते हैं, 196 का वर्गमूल निकालते हैं, देखिए गुणनखंड में से 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में कितना है 6 है, इसीलिए 2 से पक्का कटेगा, श्योर कटेगा, तो चलिए 2 से कटते 2 × 18 और 2 × 16 फिर अभी भी 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 8 है, 2 × 8 और 2 × 18 फिर अब 2 से कटेगा क्या नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 9 × 4 = 13 होता है नहीं कटेगा, किससे कटेगा 7 से कटेगा, 7 × 7 = 49 और 7 × 1 = 7 अब क्या करेंगे लिखेंगे रूट में 196 का कितना हो जाएगा 1 सेट और 1 सेट ये मतलब 2 × 7 आएगा कितना 7 × 14 ये क्या हो गया वर्गमूल किसका 196 का वर्गमूल 14 और 529 का वर्गमूल 23। अब क्या करेंगे जब इनका आंसर लिखेंगे देखिए 529 है ना 529 / 196 तो 529 का कितना आया 529 का आया 23 ऊपर लिखेंगे 23 और नीचे लिखिए 196 कितना है 14। वैसे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें आप लोगों को 2 से लेकर 20 तक का सबका वर्गमूल और घनमूल एकदम कंठस्थ होना चाहिए याद होना चाहिए। इसके हम कई तरीके बताएंगे वर्गमूल और घनमूल निकालने के बहुत ही आसान तरीके कि आपको अगर याद भी नहीं रहेगा ना तब भी आप निकालेंगे। चलिए अब आते हैं तीसरा वाला देखिए दिया गया है 4 सही 29 / 49 इसको पहले क्या करते हैं ये मिक्स भिन्न में मिक्स फ्रिक्शन में मतलब मिश्र भिन्न में तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं सिंपल भिन्न में लिखते हैं। तो चलिए क्या करते हैं जब इनका गुणा करेंगे 49 का गुणा 4 में 49 के उसके बाद उसमें 29 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 225 / 49 आएगा। अब देखिए कुछ करने की जरूरत 225 का हम लोग निकालते हैं चलिए लिखेंगे पहले 225 अच्छा लास्ट में 5 है ना तो कितने से कटेगा 5 से कटेगा 5 से वह संख्या कट जाती है जिनके लास्ट में 0 इकाई के अंक में कितना होता है 0 होता है या तो 5 होता है तो वो संख्या कट जाती है 5 से तो चलिए काटते हैं 5 × 21 और 5 × 25 = 25 5 से काटते हैं 5 × 9 = 45 अब 9 किससे कटेगा 3 से 3 = 9 और फिर 3 × 3 मतलब कितना आ गया 225 का रूट इसको क्या बोलते हैं वर्गमूल बोलते हैं कितना आ जाएगा 5 एक यहाँ से और एक यहाँ से 5 × 3 आ जाएगा 5 × 3 = 15 ये तो 15 आ गया 225 का अभी हमारे पास क्या 49 है 49 का जब निकालेंगे तो अभी देखिए हम लोगों ने 49 का यहाँ पे निकाला था यहाँ पे 49 किससे कटा था 7 से तो किससे कटेगा 7 × 7 = 49 और फिर 7 से कटेगा 7 × 1 = 7 तो 49 का कितना आ जाएगा 49 का आएगा 7 क्योंकि यहाँ एक ही जोड़ा बनेगा तो देखिए तो इसका तो 7 आ गया हमको निकालना किसका था 4 सही 29 / 49 का तो इसका निकालते हैं 4 सही 29 / 49 का देखिए ये हो जाएगा हमारा जब इनका रूट निकालेंगे 4 सही 29 / 49 का तो कैसे आएगा देखिए पहले तो 225 / 49 था 225 / 49 का कितना जाएगा 225 का कितना है 15 और ये 7 तो हो जाएगा 15/7 होगा हमको धनात्मक चाहिए एक चीज ध्यान दीजिए हमको किसमें मिक्स फ्रिक्शन में दिया गया तो हम क्यों ना ऐसा करते हैं इसको मिक्स फ्रिक्शन में ही लेके आते हैं देखिए 7 × 14 होता है 1 होता है 7 कितना आ गया 7 × 14 = 15 15/7 हो गया आंसर हमारा कितना आ गया तो हमको धनात्मक में निकालना था इसलिए हम लोग किसमें लाए धनात्मक में ही लाए ये हो गया क्वेश्चन आपका दूसरे का पहला दूसरा और तीसरा तो दोस्तों देखते हैं चौथा वाला क्या है 23 सही 26 / 121 कितना है 23 सही 26 / 121 121 का इसमें गुणा करेंगे और इतना जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 28 09 2809 और ये रहेगा 121। अब हमको क्या करना है इन्हीं का वर्गमूल निकालना है वो भी धनात्मक निकालना है ये चीज ध्यान दीजिएगा तो चलिए क्या करते हैं इनका वर्गमूल निकालते हैं तो अच्छी ध्यान दीजिए कुछ तो अपवाद होता है तो ये 28 09 ये ओनली एंड ओनली किससे कटेगा देखिए कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी
क्वेश्चन जो दिया गया है उस हिसाब से ये ओनली और ओनली किससे कटेगा, 53 से कटेगा, 53 से कटेगा और कितनी बार जाएगा, 53 बार ही जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 53 से काटेंगे एक आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2809। इसका वर्गमूल कितना आएगा, एक जोड़ा बना कितना जाएगा 53 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, धनात्मक में लिखना था इसीलिए धनात्मक ऋणात्मक नहीं लिखना, देखिए नहीं तो इसका आंसर होता है ऐसे 53, हमको धनात्मक में चाहिए ना इसीलिए माइनस वाला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए ये कितना हो गया 2809 का हो गया 53। अब ये 121 का कितना होगा, देखिए 121 का 11 से ले जाएंगे, 11 बार जाएगा, 11 से एक बार जाएगा, एक जोड़ा बना कितना आएगा 121 का 11 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान क्या देना है इसमें, हमको इनका निकालना था, इनका, ठीक है, इनका निकालना मतलब ये निकालना है। देखिए जब इनका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका हमें कितना मिला 53 मिला और 121 का हमको कितना मिला 11 मिला, तो क्या हो जाएगा 53/11। अब ध्यान दीजिए ये हमको यहाँ पे किसमें दिया गया है, मिक्स फ्रिक्शन में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे इसको मिक्स फ्रिक्शन में ही लिखेंगे। अब ये बताइए कितनी बार जाएगा, 11 चौका 44 और 11 बचे 55 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 चौका 44। अब 44 में कितना जोड़ दें, देखिए 44 में हम कितना जोड़ दें, ये आ जाएगा देखेंगे हम 9 अगर जोड़े 11, तो क्या हो गया 11 चौका 44 और 9, 44 में 9 जोड़ देंगे कितना जाएगा 53, हमारा आंसर क्या आएगा 4 सही 9/11 आ गया। ये हो गया हमारा चौथा। अब देखते हैं पांचवा क्या है, 75 से 46/49 है, तो एकदम सेम जैसे ये लगा रहे हैं उसी तरीके से इसको भी लगाएंगे। चलिए 49 का जब गुणा करेंगे 75 में, उसके बाद 46 जोड़ देंगे। अच्छा ध्यान दीजिए करते कैसे, पहले यहां से यहां उसका गुणा करते हैं, आप लोग 8 में हैं ये सब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसका यहाँ से यहाँ गुणा करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ऊपर वाला जोड़ देते हैं। तो जब इनका गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37/21। अब गुणा करके देख लीजिएगा कितना आएगा, 37/21 आएगा और बटे में क्या आएगा 49 आएगा। तो जब 37/21 का निकालेंगे तो इसके लिए भी है कितना है 37/21। अच्छा ये देखेंगे ये ओनली एंड ओनली किससे कटेगा, ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगा 61 से कटेगा, 61 से कटेगा और कितनी बार 61 बार जाएगा। 61 का जब 61 बार, अच्छा इसको चेक भी कर ले क्या, चलिए पीछे आपको बताएं इसको चेक कर लेते हैं, 61 का स्क्वायर करना है मतलब कितना आना चाहिए 37/21 आना चाहिए, इसको बताया 6 कम 6 = 12 यहाँ लिखते हैं, 6 से करते हैं 6 6 36 और 1 कम 1 0 1 लिखते हैं और 1 अंक छोड़ के वो वाला जोड़ देते हैं, देखिए 1 अंक छोड़ के जोड़ दिए 2 हो गया 6 और 1 7 हो गया और ये 3 मतलब कितना गया 37/21 आ गया, मतलब 61 ही है, ये बता चुके हैं पीछे वाला आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। चलिए तो कितना आ गया 61 और फिर 61 से जाएगा कितनी बार एक बार, तो हमारा आ गया 37/21 का कितना आ गया हमारा 61 आ गया, क्योंकि एक ही जोड़ा है इसीलिए कितना आ गया 61 आ गया, 61 आ गया। अब देखते हैं 49 का, 49 तो आसान है, कब से बता रहा हूँ ये, 7 से कटेगा 7 7 49 7 1 7 मतलब 49 का अपने पास कितना आया 7 आया 6 आया, 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7 हो गया और 3721 का वर्गमूल कितना हो गया 61 हो गया। ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कौन सा किससे कटता है, जब भाग विधि से आप करेंगे तो आपको सब चीजें आसान हो जाएंगी, ये गुणनखंड विधि से उस तरीके से करते हैं। देखिए चलिए 37/21 का कितना है हमारे पास 61 आया है और 49 का कितना है 7 आया है, लेकिन ये चीज ध्यान दीजिए हमको निकालना किसका है, इसका निकालना है, इसीलिए हम क्या करेंगे मिक्स, अगर ऐसे ही निकालना हो तो ये हमारा आंसर है 61/7, लेकिन हमको मिक्स भिन्न में निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 8 सही 5/7, क्योंकि देखिए 8 7 56 56 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा और 61/7 आएगा, हमारा आंसर क्या हो गया 8 सही 5/7। तो ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान इजी है, सारे क्वेश्चन आसान है, वर्गमूल के सभी क्वेश्चन आसान। क्वेश्चन देखिए वहां क्या दिया गया है, एक बाग में आम के पेड़, आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। देखिए दिया गया एक बाग में आम के उतने ही कितने 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। पहले तो ये देखिए बाग में आम के पेड़ कितने हैं, कितने हैं हमारे पास 2304 पेड़ कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पेड़ कितने हैं
पेड़ों की संख्या बराबर, कितने पेड़ दिए गए हैं? दिए गए हैं 2304, 2304। आप लोगों के लिए क्वेश्चन वहां पे आ रहा होगा, ठीक है। हमको एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ देखना पड़ता है, बुक सामने ही रखते हैं या तो मोबाइल में देखते हैं। चलिए, पेड़ों की संख्या इतनी हो गई। हमसे पूछा क्या है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ये पूछा गया बाग में कुल कितनी, जितने बाग में पंक्तियां हैं, ठीक है। चलिए बाग में कुल कितनी पंक्तियां, तो कुल पंक्तियां, कुल पंक्तियों की संख्या बराबर। तो पहले तो ये क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। दिया गया है एक बाग में, जो बाग है आम के, जो पेड़ है 2304 पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में कुल पंक्तियां हैं। तो हमको पंक्तियों की संख्या बतानी, पंक्तियों की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, 2304 मतलब 2304 का मतलब क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, बस 2304 इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। चार लास्ट में, पहले दो से कटेगा, दो एक कम दो, फिर दो से कटेगा, दो एक कम दो, फिर एक यहाँ जाएगा, दो पंचे दस हो जाएगा, और दो दुना चार। अभी भी देखिए दो है लास्ट में, तो क्या दो से ही कटेगा, दो पंचे दस, दो सत्ते चौदह, और दो छक्का बारह, फिर दो से कटेगा, दो दुना चार, दो अट्ठे सोलह, और दो अट्ठे सोलह। अभी फिर दो से कटेगा, देखिए दो एक कम दो, दो चौका आठ, दो चौका आठ, फिर दो से कटेगा, दो सत्ते चौदह, दो दुना चार, दो से ही कटेगा, दो तीन छह, दो छक्का बारह, दो से कटेगा, दो एक कम दो, दो अठे सोलह, दो से कटेगा, दो नौ अठारह। अब किससे कटेगा, तीन से कटेगा, तीन त्रिका नौ, और तीन से कटेगा, त्रिका तीन। ये चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए एक जोड़ा यहाँ पे बना, एक जोड़ा यहाँ पे, एक जोड़ा यहाँ पे, और एक जोड़ा यहाँ, और एक यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, कितना लिखा गया, तेईस जीरो चार, इसका जब गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं, तो क्या करेंगे, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन। देखिए एक दो तीन चार, चार जोड़े मैंने ना, एक दो तीन चार, चार जोड़े और तीन के एक जोड़े, एक जोड़े। अब इनका गुणा करते हैं, देखिए दो दुना चार दुना आठ, आठ दुना सोलह, सोलह दुना अड़तालीस, कितने आ गए, अड़तालीस। तो अब ये कह सकते हैं कि बाग में जो पंक्तियां हैं, कुल पंक्तियों की संख्या, जो बाग में कुल पंक्तियां आई वो कितनी आई है, अड़तालीस, मतलब अड़तालीस पंक्तियां और अड़तालीस पेड़ भी लगा उसमें। हमसे पंक्तियां पूछा, तो आंसर क्या हो गया हमारा, अड़तालीस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर चार। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, उधर देखिए क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है, एक सेनानायक ने अपनी सेना की टोलियों, सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। मतलब अपने सैनिकों को इस प्रकार बांटा है कि जितनी टोलियां उतने ही सैनिक प्रत्येक टोली में हैं। तो जब उतने ही सैनिक हैं, उतनी ही टोलियां हैं, तो क्या करेंगे, और यदि उसके पास कुल कितने सैनिक हैं, 6561, ये बताया गया उसके पास टोटल 6561 सैनिक हैं, और जितनी टोलियां हैं हर टोली में उतने उतने सैनिक हैं। और हमको पूछा क्या है, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक होंगे ये बताना हमको। चलिए आइए क्या करते हैं, कुल सैनिकों की संख्या क्या दी गई है, 6561 दी गई है। जब कुल सैनिक 6561 हैं, और ये पहले ही बता दिया गया है क्वेश्चन में, जितनी टोलियां हैं उतने ही सैनिक हैं प्रत्येक टोली में। देखिए प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या हमको निकालनी है, तो आइए क्या करते हैं, 6561 का क्या निकालेंगे, वर्ग मूल निकालेंगे। वर्ग मूल जब इनका निकालेंगे, पहले ये ध्यान देंगे दो से कटेगा, तो देखेंगे दो से तो नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, एक है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो देखिए दो से नहीं कटेगा, तीन से चेक करते हैं कि तीन से कटेगा कि नहीं। तीन से चेक करने के लिए क्या करते हैं, सभी अंकों को क्या करते, ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जितना आता है योगफल करते हैं, योग करने के बाद जितना आता है उसको, जो हमारे पास योगफल आता है उसको देखते हैं तीन से वो डिवाइड हो जाता है कि नहीं। अगर वो तीन से डिवाइड हो जाता है तो संख्या तीन से डिवाइड हो जाएगी। चलिए 6511 और 6711, 11-7 कितना होता है, 18 होता है, और तीन से कट जाता है, कट जाएगा, तीन दुना छह, तीन एक कम तीन, दो बचा यहाँ पे 26 हो गया, तीन अठे 24, और सात किस होता है, तीन सते 21, ये हो गया तीन से कट गया। अभी फिर देखते हैं तीन से कटता है कि नहीं, तीन सात तीन दस, और 18 तीन से फिर कटेगा, तीन सते 21 हो जाएगा, तीन दुना छह हो जाएगा, तीन नवा 27 हो जाएगा। अभी फिर देखते हैं तीन से कटता है कि नहीं,
लेकिन नौ नौ अठारह, तीन से फिर कटेगा, तीन दुना छह, एक यहाँ आएगा, तीन चौक के बारह और तीन तिरका नौ, फिर तीन से कटेगा, तीन आठे चौबीस और तीन एक्का तीन, तीन से फिर कटेगा, देखिए तीन दुना छह और तीन सते इक्कीस, तीन से फिर कटेगा, तीन नौ सत्ताईस, तीन से कटेगा, तीन तिरका नौ और तीन से कटेगा, तीन इक्का तीन, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए लिखेंगे पैंसठ इकसठ का वर्गमूल होता है, अभाज्य गुणनखंड पर लिखेंगे एक जोड़ा दो जोड़ा तीन जोड़ा और चार जोड़ा, चार जोड़ा बटा मतलब तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन, तीन त्रिका नौ सत्ताईस तिया सत्ताईस तिया होता है इक्यासी, इक्यासी अच्छा इक्यासी इक्यासी आ गया ना, वर्गमूल हमारा इक्यासी है। अच्छा देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी वर्गमूल आए तो भूलिएगा मत, वर्गमूल जब लिखिएगा तो ये प्लस और माइनस, क्योंकि वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में आता है। अब देखा ही जाएगा क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है कि धनात्मक पूछ रहा है या ऋणात्मक पूछ रहा है, उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो हमारे पास प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या कितनी आ गई, इक्यासी आ गई। तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक है, इक्यासी सैनिक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर चार। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है, वहां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पांच कह रहा है एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्ति में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है, एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्ति में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। देखिए बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, मतलब जो वर्ग बनाता है वो बनाने के बाद 60 जवान बच जाते हैं। फिर देखिए यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, प्रत्येक लाइन में होना चाहिए। देखिए बताया सेनानायक कितने जवान, प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े हुए, तो क्या करते हैं सबसे पहले देखते हैं उसके पास कुल कितने थे, कुल जवान क्या लिखेंगे, कुल जवानों की संख्या बराबर, कुल जवान कितना दिया गया है, कुल जवान दिया गया है, हाँ कुल जवान दिया गया 8160 जवान थे, 8160 जवान थे टोटल इसके पास, 8160 जवान थे। देखिए अब कह रहा है जब वर्ग बनाते हैं तो क्या हो जाते हैं, 60 जवान बच जाते हैं, मतलब जो वर्ग बनता है उसमें 60 जवान नहीं एडजस्ट हो पाते, वो क्या होते हैं बच जाते हैं, उनको बाहर निकाल देता है। मतलब देखिए कुल जवानों की संख्या इतनी है, बचते कितने, 60 जवान बचते हैं, देखिए 60 जवान निकाल दिए जाते हैं बाहर, तो बचे कितने, बचे जवान सैनिक या तो जवान, बचे जवान कितने जाएंगे, 81 60 माइनस 60 इतना होगा ना, तो जब इनको घटाएंगे तो कितना आ गया 0018 कितना गया 8100, मतलब जो वर्ग बन रहा है उसमें कितने जवान लग रहे हैं 8100, लेकिन हमको बताना प्रत्येक पंक्ति में, मतलब जो पंक्ति बन रही वर्ग में उसमें कितने, देखिए तो लिखेंगे पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर, तो पंक्ति में जवानों की संख्या यही हमसे पूछा है, देखिए यही तो कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे, मतलब प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं, वही पंक्ति में जवानों की संख्या, यहां लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या, तो हमको जब प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या ज्ञात करनी है, हमारे पास बच्चे कितने 8100 जवान बचे, अब इनका क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो देखेंगे दो से कटेगा, जब दो से काटेंगे दो दुना चार दो चौके आठ, आठ हो जाएगा एक आएगा नहीं कटेगा, तो यहाँ जीरो लगाएंगे, दो पंचे दस हो जाएगा और ये एक जीरो, देखिए कितना आएगा। अब क्या करेंगे, अभी भी दो से कटेगा, दो से काटेंगे दो दुना चार हो जाएगा जीरो आ जाएगा, दो दुना चार और दो पंचे दस कितना हो गया 20 25 हो गया। अब अच्छी ध्यान देंगे हम, अब किससे कटेगा, दो से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तीन से, तीन से कटेगा चेक करते हैं, देखिए पांच दो सात और दो नौ, जीरो तो नहीं जोड़ेंगे ना, नौ से, तो ये तीन से कटेगा, तीन छठ अट्ठारह, छह बार लेके गए 18 यहाँ दो गया ना तो 22 हो गया, तीन सते 21 हुआ ना, अब यहाँ एक गया, तीन पचे 15, अब देखेंगे तीन से फिर काटता है कि नहीं, देखिए छह छह 12 13 5 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, तो करेंगे तीन से तीन दुना छह, तीन दुना छह, तीन पचे 15, अब तीन से कटेगा, कटेगा तीन सते 21 और तीन पचे 15,
अब तीन से कटेगा, तीन दुना छह और तीन पचे पंद्रह, अब किससे कटेगा, पांच से कटेगा, तो पांच से काटेंगे, पांच पचे पच्चीस, पांच एक का पांच, ये कर दिया। अब क्या करते हैं, इनका वर्गमूल लिखते हैं, देखिए इक्यासी सौ का वर्गमूल क्या होगा। अच्छा ध्यान दीजिए, जोड़ा बनाते हैं पहले, और जितने जोड़े हैं सब जोड़े में से एक एक को उठा लेते हैं। अच्छा जोड़ा किसका बनता है, तमाम चीजों का जोड़ा बनता है, चलिए अलग बात है। देखिए जोड़ा बने ना बने उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जोड़ा बनना चाहिए, वर्गमूल में दो लोगों का जोड़ा बनना चाहिए। और जब घनमूल पाएंगे, देखिए रूट में क्या होगा, दो लोगों का जोड़ा बनेगा, ठीक है। क्यूब में क्या होगा, तीन लोगों का जोड़ा बनेगा। क्यूब में क्या करते हैं, जब उनका क्यूब निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं, तो तीन में से एक उठा लेते हैं। वर्गमूल में क्या करते हैं, दो में से एक उठा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो दो का प्रत्येक दो का जोड़ा बना ना, तो एक एक को बाहर ले लेते हैं। देखिए इसमें से दो, इसमें से तीन, और इसमें से भी तीन, और इसमें से पांच, इनको बाहर ले लेते हैं, मतलब जब्त कर लेते हैं। तीन दोनों छह तरीक अठारह, अठारह पच्चीस नब्बे, कितना आ गया नब्बे। और ये प्लस माइनस दोनों में आता है, बता चुके हैं बीस बार, बार बार ना बताना पड़ेगा। तो नब्बे आ गया ना, तो ये नब्बे क्या हो जाएगा, जो हम लोग पता करने में ही हो जाएगा, प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या कितनी आ गई, नब्बे आ गई, और यही हो गया हमारा आंसर। हाँ तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर छह क्या कह रहा है, इसका ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए कह ये रहा है हमसे, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। देखिए तो क्या कहते हैं, 1890, 1890, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब भाग करने पर कुछ पूछे या गुणा करने पर कुछ पूछे वर्गमूल में, तो उसके लिए कौन सी विधि लगाते हैं, गुणनखंड विधि, ठीक है। और जब जोड़ने का लगाए या घटाने का लगाए, तब कौन सी विधि लगाएंगे, तब भाग विधि लगाएंगे। चलिए बता देते हैं कैसे, 1890 में क्या कह रहा है, गुणा करने पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, जिससे जब इसमें गुणा किया जाए तो जो संख्या है वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, देखेंगे वर्गमूल निकलेगा कि नहीं। चलिए पूर्ण वर्ग संख्या अगर होगी तो निकल जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो नहीं निकलेगा। और ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, इसीलिए तो पूछ रहा है किससे गुणा करे पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए देखते हैं, 1890, पहले ध्यान दीजिए जीरो है ना, तो जब जीरो है तो किससे कटेगा, दो से कटेगा, ये सेवर है, तो जीरो है दो से काटेंगे, ये हो जाएगा दो नवा 18, और ये कितना हो जाएगा, दो चौके 8, और ये हो जाएगा दो पंचे 10। अब दो से कटेगा क्या, अब तो दो से नहीं कटेगा, अब देखेंगे तीन से कटेगा, पहले दो से, तीन से, चार से, ऐसे से कटेंगे, सबका रूल हम बताएंगे, दिक्कत मत लीजिएगा। 9 में 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 5 कितना हो जाता है, 18 हो जाता है, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 1 कम 3 और 3 5 15। अब देखेंगे अभी 3 से फिर कट जाएगा, 3 3 1 कम 3, अच्छा यहाँ 0 उठता जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 5 15। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 से फिर कटेगा, 5 1 6, 3 3 का 9, 3 3 का 9 हो गया, और 3 5 15 हो गया। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 5 3 8 नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, अब किसी से कटेगा क्या, देखिए अब 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, अच्छा अब एक बात बताइए, इसमें जो है हमको कुछ दिख रहा है, छोटी छोटी संख्या बताए, इसमें कोई जोड़ा वोड़ा दिख रहा है, चलिए देखते हैं जोड़ा, एक जोड़ा इसका मिला, और किसी का जोड़ा मिला क्या, नहीं मिला। तो जब जोड़ा नहीं मिला तो वर्गमूल नहीं बनेगा ना, कि बनेगा, नहीं बनेगा। अगर हम निकालेंगे, देखिए 1890 इसका निकालेंगे, तो क्या एक ही जोड़ा लिखेंगे, तीन और का हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अभी किसका किसका जोड़ा चाहिए, दो का चाहिए, तीन का चाहिए, पांच का चाहिए, सात का चाहिए, देखिए दो कम चाहिए, इसको क्या कहते हैं, यही जो जोड़ा रहेगा अगर इसमें गुणा कर देंगे तो ये आंसर रहेगा, कितना गुणा करना है, दो का, तीन का, पांच का और सात का, इनका अगर हम गुणा कर दें इन सबका, तो ये जोड़ा बन जाएगा कि नहीं, जोड़ा बनेगा ना, तो जब जोड़ा बन जाएगा तो वही हमारा आंसर होगा। जोड़ा नहीं बन रहा है, अभी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो वही पूछा है किससे गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बनाना तो मतलब इनको जोड़ा में लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा ना, इसी का तो जोड़ा नहीं बन रहा, एक ये दो है। देखिए ध्यान से देखिए, इस समझिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, हर जगह पूछता है, एक ये नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं, ये नहीं, मतलब इन सबका जोड़ा नहीं बना, तो अगर इनका एक एक कपल लेके चले हैं, एक एक इनका फ्रेंड लेके चले हैं, तो हो जाएगा ना। तो देखिए एक फ्रेंड इसका आ गया,
एक फ्रेंड इसका आ गया, एक फ्रेंड इसका आ गया और एक फ्रेंड इसका आ गया। अब ये जोड़ा हो गया, तो जोड़े में कमी किसकी थी? इन्हीं लोगों की थी ना, इसको पूर्ण वर्ग बनाने में। तो इन लोगों का गुणा करिए, दो तीन छह, छह पंच तीस और तीन सत्ते इक्कीस, मतलब कितना हो गया 210। अगर हम 210 से इसमें गुणा कर दें तो संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। मतलब कि आंसर हमारा कितना आया? 210 आया। और ये 210 क्या है? हमारा आंसर है। मतलब ये हुआ आंसर में कि वह छोटी से छोटी संख्या 210 है। या ऐसे लिख देंगे 1890 में 210 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। बस यही हो गया हमारा आंसर, किससे? 210 से। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप सवाल नहीं कर सकते, इसलिए क्वेश्चन आप खूब बढ़िया से पढ़िएगा, 2 से 3 बार पढ़िएगा, 4 बार पढ़िएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक पेन मत चलाइएगा आगे। चलिए, दिया हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भाग पर पूर्ण वर्ग हो जाए। कितना? 9408। और पूछा का है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसमें भाग दिया जाए, 9408 में भाग दिया जाए और जो आए, मतलब जो संख्या आए वो क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाना है। चलिए क्या करते हैं, हमने बोला भाग देना हो या गुणा करना हो तो क्या करते हैं? गुणनखंड विधि ही लगाते हैं। और जब हमको जोड़ना रहेगा या घटाना रहेगा तो कौन सी विधि लगाएंगे? तब भाग विधि लगाएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, ठीक है ना, इसको दिमाग में डाल लीजिए। चलिए क्या करते हैं, इनका पहले वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकल जाएगा तो ठीक है, वैसे निकलेगा नहीं। चलिए देखते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। 8 है तो 2 से कटेगा ना, 10 बार बता चुके हैं इसी वीडियो में, 10 बार बता चुके हैं, लेकिन फिर बता देंगे। देखिए 2 से कटने का रूल, 2 से वो संख्या कट सकती है जिसके आगे लास्ट में इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8, इतने जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो संख्या हमेशा और हमेशा 2 से कट जाएगी। चलिए देखते हैं, 2 से 2 चौका 8 हो गया, यहाँ एक आया 2 सत्ते 14 हो गया, 0 2 4 8 हो गया। फिर 2 से काटते हैं, 2 दुना 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 दुना 4 हो गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी किया करिएगा, ठीक है ना। देखिए फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 1 2 यहाँ आएगा, 2 सत्ते 14 और 2 6 12, ठीक है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन समझ। फिर देखिए 6 आया लास्ट में, 6 आया, अभी भी 2 से कटेगा, 2 5 10 और 2 8 16 और 2 8 16 अभी भी 2 से कटेगा, 2 दुना 4, 2 9 18, 2 4 8, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 4 8 और 2 7 14। अब देखिए 147 आ गया, 147 आ गया तो किससे कटेगा? ध्यान देंगे, 7 4 11 और 1 12, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 4 12, 3 9 27। अब 49 आ गया, 49 हम जानते हैं किससे कटता है, 7 से कटता है, तो 7 से काट देंगे इसको। चलिए 7 7 49 और ये 7 से 7 7। अब हमको एक चीज जो विशेष ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि क्या इसमें सबका जोड़ा बन रहा है? अगर सबका जोड़ा बन रहा है तो संख्या पूर्ण वर्ग है, लेकिन पूछा है जोड़ा तो नहीं बन रहा होगा ना, भाग देने पूछा कौन सी संख्या से इसमें भाग दे दिया जाए, छोटी से छोटी संख्या से, जिससे ये क्या है जो 9408 है ये क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। वैसे पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं, जब भाग देंगे तो कम हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं, एक जोड़ा इसका बन गया, 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 बचा कौन है? 3 है, बचा है कौन? एक 3 बचा है, ससुर साइड में पड़ा है, तो 3 बचा है, तो इस 3 को क्या करते हैं? यही हमारा आंसर हो जाएगा, अतः लिखेंगे, अतः 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ये हो गया आपका आंसर। तो आपका अभ्यास 2 भी समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको बताइए, पसंद आया है
वहाँ नीचे लाइक कर दीजिए, लाइक वाला बटन ये अंगूठा बना होगा ना उसको टच कर दीजिए तो लगेगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, कंटिन्यू रहिए। थैंक यू।